मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल सब पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। एक चला गया जेल, बाकी बोल रहे सब झूठ। मूल पंक्ति संत कबीर दास के दोहे से ली गई है, बाकी एजुकेशन हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहे मेरठ के ऋषभ अकादमी पर सटीक बैठ रही है। संचालक रंजीत जैन व प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज गबन के आरोप में जेल में है। बैंक खाते सीज हैं। CBSE ने मान्यता खत्म करने का नोटिस दे दिया है। छावनी परिषद ने अवैध रूप से निर्मित निर्माण गिराने के लिए बोल दिया है। अल्पसंख्यक जैन समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अकादमी से हाथ खींच लिए हैं। कुछ पीछे से ही तेल और तेल की धार देख और नाप रहे हैं। कैंट विधायक सत्य प्रकाश ने अपने अधिकार से बाहर जाते हुए एक कमेटी बना दी। 15 सदस्यीय कमेटी के 6-7 लोगों ने हाथों हाथ इस्तीफे भी दे दिए। इस्तीफों का क्रम अभी तक जारी है। सदर थानेदार ने भी रिपोर्ट दे दी कि इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। अकादमी व समाज के बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन अजय जैन नामक शख्स वर्तमान में अकादमी का सर्वेसर्वा हो गया है। किस अधिकार से किसी को नहीं पता। गंभीर बात यह भी है कि पिछले करीब 6 माह से अकादमी में पैसे से जुड़ा प्रत्येक काम जुबानी व कैश से हो रहा है। बच्चों की फीस भी कैश में ली जा रही है। अजय जैन का दावा है कि कमेटी ने उन्हें यहाँ बैठाया है, लेकिन उनके पास सिग्नेचर का कोई अधिकार नहीं है। फिर वे यहाँ किस अधिकार से काम काज संभाल रहे हैं, सारा पैसा ले जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि आप आकर इसे संभाल लो। क्या बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार के लिए वह जिम्मेदार हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि फीस व अन्य मद में आने वाला सारा पैसा वह नहीं बल्कि CA संजय जैन के पास चला जाता है। कुल मिलाकर करीब 1500 बच्चों व 200 के स्टाफ का भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। कोई कहने और सुनने वाला नहीं है, ना ही तो जिला विद्यालय निरीक्षक और ना ही जिला प्रशासन और ना ही कोई और। वर्ष 2014 में रंजीत जैन प्रबंध समिति पर काबिज हुए थे। रंजीत जब तक रहे उन्होंने या फिर कहें उसने अंधाधुंध बैटिंग की। कानूनी दावपेच व कागजों में भारी घोटाले पाने पर उन सभी के मुंह सिल दिए जिन्होंने इस अकादमी की शुरुआत की थी। 12 जून 2021 को रंजीत जैन को मोटे गबन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में रंजीत पर महिला टॉयलेट में CCTV लगाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। मध्य मार्च 2021 को प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। याचना की गिरफ्तारी भी गबन व साक्ष्य मिटाने के आरोप के चलते हुई। तब से अकादमी की हालत बद से बदतर हो गई है। करीब 1000 बच्चों ने अपने नाम कटा लिए हैं। आज फर्स्ट बाइट ने वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ अकादमी का जायजा लिया। उप प्रधानाचार्य अवकाश पर बताई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि अजय जैन प्रबंधक से बात कर लें। आइए देखते हैं क्या चल रहा है अजय जैन की जुबानी। 11 लोगों की कमेटी सत्य प्रकाश अग्रवाल जी ने बनाई थी, जिसका लेटर सबसे पहले सदर थाने में, फिर CO ऑफिस में, फिर DIO ऑफिस में, फिर DM ऑफिस में, फिर कमिश्नर ऑफिस में, सब जगह भेजी थी उसकी रिपोर्ट। और उस 11 लोगों की कमेटी का लेटर सब जगह गया। वो है आपके पास लेटर? वो लेटर संजय भैया को मैं दे दूंगा। तो आपके पास क्या बात? आए सर्वे के सारे बैठे, अब भी आते हैं। अभी जैसे परसों मिर्जुल जैन, अनिल जैन सब आए बैठते हैं, कोई आधा घंटा बैठा, कोई एक घंटा। वो जो पूरी कमेटी है वो इस समय रन कर रही है। हाँ, पूरी लोग कमेटी है, आते हैं बैठते हैं। संजय भैया, हाँ संजय जैन भी, संजय सीए साहब जो है, हाँ वो भी। उस जो 11 जो मेंबर की कमेटी थी उसमें तो मैक्सिमम लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे। उसी समय 4 ने तो उसी समय दे दिए थे और बाकी ने बाद में दिए। इस्तीफा किसको देंगे? DIO उसमें तो जाएगा भाई। हम तो DIO के या CBSE के अंडर में तो आते हैं, या फिर बात विधायक जी ने चुनी है, या मान लो सब जगह जो लेटर गए थे वहां देते इस्तीफा। किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं। तो जो तय कर रहा है वो DIS कर रहे हैं या विधायक कर रहे हैं? भैया यहाँ तो विधायक जी ने बुलवाई थी कमेटी। विधायक जी ने आपको मैनेजर बनाया है? विधायक जी ने मुझे कुछ नहीं बनाया। 11-15 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसमें 4 जनों ने इस्तीफा दे दिया था, तो 11 जने रहे। उस 11 कमेटी में आप भी हैं? हाँ, मैं भी हूँ। संजय जैन सिंह है, अनिल जैन का पता था, मृदुल जैन है, विकास जैन है, अतुल जैन है, राकेश जैन है, और 15 में 11 बता रहा हूँ, 15 नहीं
ग्यारह जिलों बता रहा हूँ, और मृदुल जैन है, और क्या नाम है, अनुज जैन है, 11 जिलों का। उस कमेटी को तो सदर थाने ने उसी समय लिखित भेज दिया था एसीएम वगैरह को कि ये कोई मान्य नहीं करती है। मान्य नहीं करती है, आपने लेटर पढ़ा? हाँ, यही आप बताओ। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि स्कूल की व्यवस्था हो, ये 11 लोग देखें, जिंदगी भर ही जेल में रखेंगे, तो क्या ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी? स्कूल तो बंद होगा, क्योंकि स्कूल अगर 30 सितंबर तक वो जैसे और स्कूल तो भेज देंगे क्वेरी करके, ना तो हमारा मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल फोर करके साइन लिखती है जी, बैंक अकाउंट नहीं है, है जी, उसके अलावा जो हमारे सीबीएसई के हिसाब से टीचरों का वो जाता है बायोमेट्रिक वो नहीं है, पूरी फाइल गायब है। अगर हमें किसी बच्चे की टीसी बना के देनी है 10th और 12th की, वो सारी की सारी हमारी थाने में बंद है, सारे कागज हमारे हम किसी की टीसी नहीं दे सकते, फाइल अथॉरिटी नहीं किसी की। तो सीधे सीधे कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो भी जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ ही चलो, आप भी जाने अनजाने उसमें गुनहगार हैं? जाने अनजाने तो कह सकते हैं, जाने अनजाने हम भी इसमें कहीं ना कहीं गुनहगार। समाज के अगर जिम्मेदार लोग आगे नहीं आ रहे या कोई व्यवस्था नहीं कर रहे तो आप रेस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा हमारा मवाना में डिग्री कॉलेज है जो कम से कम 10 करोड़ का बना हुआ है, उसे रंजीत जैन ने किसी को गिरवी रख दिया 10 लाख रुपये, वो उन्होंने उसे कब्जे में ले लिया, वो कॉलेज भी खाली नहीं पड़ा 10 लाख रुपए की वजह से। वो कह रहे हैं कि लेगा कौन हमसे स्कूल, जो है और संजय भैया का लड़का रोज आता है हिसाब किताब लेने, उनका भैया लड़का रोज आता है विकास रोज आना हिसाब किताब लेने, हिसाब किताब लेके जाता है, वो आते हैं कि भैया क्या है क्या गया, रोजाना हिसाब किताब लेके जाता है, राहुल कितना आया क्या गया रोजाना आता है, राहुल किताब लेके जाता है, बेटे का नाम राहुल जो उनका काम करता है। इस बारे में फर्स्ट बाइट ने कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल से भी बात की, देखिए। भविष्य खिलवाड़ ना हो, जब पहले खिलवाड़ होता था 2600 बच्चों में 800 बच्चे रहे हैं, उनसे खिलवाड़ ना हो, या तो प्रशासन के बारे या इन लोगों को बुलाकर ऐसी गंभीरता से बात करी जाए जो भी स्कूल आदमी ना जाए उस समय को नहीं जाए, नहीं मन तो खत्म हो रही है, तो प्रसाद हमने प्रसाद कह दिया कि इसको करो, मेरा तो मन तो खत्म मत कर दो, तो बच्चों को खिलवाड़ क्यों होने जा रहे, बच्चों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ जहाँ पर जाऊँगा बच्चों को खिलवाड़ के कोई जिम्मेदारी लाऊंगा, लेकिन क्योंकि समाज का स्कूल है उसके अंदर बैठ कर मैं कोर्ट बनूंगा कि मतलब मैं कोई पढ़ाई फाइल हो या लोगों टोकरा तो जेल भी जा रहे हैं, ये भी जेल जाए जो गवर्नमेंट का बचा थोड़ा योगी सरकार है वैसे नहीं है, अगर जहाँ जाए जेल जाए जो भी है कोई भी हो अजय हो कोई हो बचाएगा नहीं सुन जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। रंजीत सिंह इतना पावरफुल कैसे बना, वो क्या राज थे जिसने प्रबंध समिति के पूर्व पदाधिकारियों के मुंह सिल दिए, मौजूदा समय में क्यों समाज के लोग उस संस्था को डूबते देख शांत हो गए जिन्होंने बेहतर एजुकेशन देने का सपना देखा था, अब कौन कौन संस्था पर काबिज होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समाज को क्या योगदान है, संपत्ति पर काबिज होने के लिए कौन बड़े नाम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, आदि वे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको देंगे अगली कड़ी में। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।